गुड मॉर्निंग क्लास बच्चों, आज मैं आप लोगों को हिंदी वन पढ़ा रही हूँ। हिंदी टू में आपका सिलेबस पूरा हो चुका है और हिंदी वन में कुछ सिलेबस बाकी है, जैसे एक ए से बाकी है। और आज मैं आप लोगों को मुहावरे पढ़ा रही हूँ। मैंने हाफ ईयरली एग्ज़ाम में भी आपको 10 मुहावरे दिए थे और फाइनल एग्ज़ाम के लिए भी मैं आपको 10 मुहावरे दे रही हूँ, तो इसके अर्थ को आप याद कर लीजिएगा। मुहावरा क्या होता है? तो मुहावरा वाक्य का ही एक अंग होता है जो एक विशेष अर्थ को प्रकट करता है। यानी अगर मुझे बहुत भूख लगी है तो हम उसे इस अंदाज में भी कह सकते हैं कि मेरे पेट में तो चूहे कूद रहे हैं, यानी मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। तो विशेष अर्थ को प्रकट करने वाले शब्दों को ही हम मुहावरे कहते हैं। ये वाक्य का ही एक अंग होता है। तो आज हम कुछ मुहावरे देखते हैं और उनके अर्थों के बारे में जानते हैं। जैसे आँखों में धूल झोंकना, यानी धोखा देना। तो जैसे हम कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी को धोखा देता है तो हम कहते हैं, उसको वाक्यों में इस प्रकार से प्रकट करते हैं कि उस व्यक्ति ने तो उसकी आँखों में धूल झोंक दिया, यानी उसे धोखा दिया। दूसरा है आँखों का तारा, यानी बहुत प्यारा होना। तो हर माँ को अपने बच्चे बहुत पसंद होते हैं, तो माँ कहती है कि मेरे बच्चे तो हमारी आँखों का तारा हैं, यानी बहुत प्यारे हैं। तीसरे नंबर पर मैंने लिखा है छक्के छुड़ाना, यानी किसी को बुरी तरह हरा देना। तो जैसे हम वाक्यों में इसको प्रयोग करते हुए यह कह सकते हैं कि भारतीय टीम ने तो ऑस्ट्रेलिया टीम के छक्के छुड़ा दिए, यानी ऑस्ट्रेलिया टीम को बुरी तरह पराजित कर दिया। पीठ दिखाना, यहाँ पर उसका अर्थ होता है मैदान छोड़कर भाग जाना। तो वाक्यों में हम जैसे उसको इस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं कि राजपूत योद्धा युद्ध में कभी पीठ नहीं दिखाते हैं, यानी मैदान छोड़कर कभी नहीं भागते। पेट में चूहे कूदना, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, अगर आपको बहुत भूख लगी रहती है तो आप कहते हैं कि मुझे जल्दी खाना दो क्योंकि मेरे पेट में तो चूहे कूद रहे हैं। पीठ ठोकना, यानी शाबाशी देना। अगर आपने कोई सफलता प्राप्त की हो तो लोग आपको शाबाशी देते हुए आपकी पीठ ठोकते हैं और आपकी बहुत ही तारीफ करते हैं, तो उसी को हम कहते हैं पीठ ठोकना। 9-2-11 होना, यानी तुरंत भाग जाना। अगर हम शब्द में इसको यूज करेंगे तो हम कहेंगे चोर तो चोरी करके 9-2-11 हो गया, यानी तुरंत भाग गया। रोंगटे खड़े हो जाना, उसका अर्थ होता है बहुत डर जाना। अगर कभी कभी कोई ऐसी बात हम सुन लेते हैं जिसकी हमें उम्मीद भी नहीं होती है तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो उसी के बारे में कहा गया है रोंगटे खड़े हो जाना, बहुत डर जाना। अपने पैरों पर खड़ा होना, यानी कामयाबी हासिल करना। यानी जब हमें कोई सफलता मिलती है और हम किसी नौकरी पर या पद पर पहुंच जाते हैं तो माता पिता कहते हैं कि वह तो अब अपने पैरों पर खड़ा हो गया, यानी उसने कामयाबी हासिल कर ली। जमीन आसमान एक करना, यानी किसी चीज़ को पाने के लिए बहुत ही मेहनत करना। यानी अगर हम किसी चीज़ को पाना चाहते हैं या किसी मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं तो उसके लिए हम काफ़ी मेहनत करते हैं। तो अगर वाक्यों में उसको अगर हम प्रयोग करें तो यह कह सकते हैं कि उसने अपनी मंजिल पाने के लिए जमीन आसमान एक कर दिया है,
यानी वह काफ़ी मेहनत कर रहा है, अपने काम पर काफ़ी फोकस कर रहा है। तो ये हो गए मुहावरों के अर्थ, तो इसे आप याद कर लीजिएगा, ये आपके फाइनल एग्ज़ाम में भी आएगा और अभी जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें भी ये आएगा, इसलिए इसे आप अपने क्लास वर्क कॉपी में भी लिख लीजिएगा और इसके अर्थ को याद भी कर लीजिएगा। एक बार मैं फिर दोहरा दे रही हूँ, आँखों में धूल झोंकना, धोखा देना, आँखों का तारा, बहुत प्यारा होना, छक्के छुड़ाना, किसी को बुरी तरह हरा देना, पीठ दिखाना, मैदान छोड़कर भाग जाना, पेट में चूहे कूदना, बहुत तेज भूख लगना, पीठ ठोकना यानी शाबाशी देना, 9-2-11 होना, तुरंत भाग जाना, रोंगटे खड़े हो जाना, बहुत डर जाना, अपने पैरों पर खड़ा होना, कामयाबी हासिल करना। और नेक्स्ट है ज़मीन आसमान एक करना, यानी किसी चीज़ को पाने के लिए मेहनत करना। तो ये मुहावरे के अर्थ थे, इसे आप याद कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास।